टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने फिल्मों में काम करने के साथ राजनीति में भी अपनी एक अलग जगह कायम की है। यह बात हर कोई जानता है कि नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और अभिनय में खास मुकाम हासिल कर राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। नुसरत जहां को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और वहां की जनता ने उन्हें संसद में भेजा। नुसरत जहां को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है, वही समय समय पर नुसरत जहां संसद में अपनी बात बेहद प्रभावी ढंग से रखती नजर आती है। नुसरत जहां संसद में काफी चर्चित चेहरा है। संसद में नुसरत जहां हमेशा एक्टिव ही नजर आती है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के डेटा के अनुसार लोकसभा में उपस्थिति की बात करें तो नुसरत जहां इस मामले में थोड़ी पीछे नजर आती है। सदन में नुसरत जहां महज 26 दिन ही नजर आई है। नुसरत जहां की अटेंडेंस मात्र 28.89% है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई है। वही नुसरत की रैंकिंग की बात करें तो नुसरत की रैंकिंग 61वें स्थान पर है। सवाल पूछने के मामले में नुसरत जहां थोड़ी एक्टिव नजर आती है। संसद में नुसरत जहां ने 42 सवाल पूछे हैं। उनकी रैंकिंग सवाल पूछने में 114वें स्थान पर है। वही लोकसभा में डिबेट्स में भाग लेने की बात हो तो सदन में हुई डिबेट्स में भी नुसरत जहां पीछे दिखती है। नुसरत जहां ने सिर्फ 8 डिबेट्स में ही भाग लिया है। इस मामले में उनकी रैंकिंग 51वें स्थान पर है। वही नुसरत जहां की ओर से कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। एमपीलैड मामले में नुसरत जहां आगे नजर आती है। एमपीलैड की बात करें तो नुसरत ने 1,65,00,000 अपने एमपीलैड फंड से विकास कार्यों में खर्चे हैं। उनकी रैंकिंग 66वें स्थान पर है। वहीं अगर बात करें नुसरत जहां के निजी व राजनीतिक जीवन की तो नुसरत जहां का जन्म 8 जनवरी 1980 को कोलकाता में हुआ था। नुसरत जहां साल 2010 में उस समय सुर्खियों में आई जब फेयर वन मिस कोलकाता का खिताब उनके नाम हुआ। इसके बाद नुसरत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2011 में उनके जीवन की पहली बंगला फिल्म शत्रु में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। उनको फिल्म में काम मिलने की शुरुआत भी अजीब रही। एक फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन के लिए कुल 50 लड़कियां आई थी, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए नुसरत जहां ने मुकाम हासिल किया था। नुसरत जहां के अभिनय का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कई हिट बांग्ला फिल्मों में काम किया। बंगाल के सभी नामी गिरामी सुपरस्टार्स के साथ वे फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नुसरत जल्द ही बंगाल भर नहीं पूरे देश में मशहूर हो गई। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नुसरत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ये नुसरत के व्यक्तित्व का कमाल था कि वे भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंच गई। बतौर लोकसभा प्रत्याशी नुसरत ने 2019 में चुनाव आयोग को जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें नुसरत जहां ने 12वीं तक शिक्षा बताई। नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी रचाई। उनकी शादी की चर्चा चारों तरफ हुई क्योंकि शादी की तस्वीरों और लोकसभा में नुसरत सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहने दिखी तो कुछ कट्टरपंथियों ने नुसरत को लेकर फतवे तक जारी कर दिए। असल में नुसरत के साथ निखिल की पहली मुलाकात खास रही। साल 2018 में दोनों दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान मिले थे और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। इस बढ़ते रिश्ते का नतीजा यह हुआ कि पहले निखिल के बिजनेस ब्रांड रंगोली के लिए नुसरत ब्रांड एम्बेसडर और मॉडल बने। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन लोकसभा चुनावों में बतौर उम्मीदवार बिजी रहने के कारण दोनों ने चुनाव के बाद शादी करने का फैसला किया। सनातन धर्म की रीतियों से हुई शादी। नुसरत और निखिल ने तुर्की जाकर जरूर शादी रचाई, लेकिन दोनों की शादी सनातन धर्म की रीतियों के अनुसार हुई। इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। शादी के बाद लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब नुसरत दिखाई दी तो उन्होंने मंगलसूत्र व चूड़ियां पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर भी लगाया था। इसे लेकर कुछ धार्मिक संगठनों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई, लेकिन नुसरत धर्म को लेकर अपने समावेशी विचार पर डटी रही। लव जिहाद कानून को लेकर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा था कि ये बहुत दुख की बात है क्योंकि लव और जिहाद साथ साथ नहीं हो सकते।
प्यार व्यक्तिगत होता है, मैं किससे प्यार करूं ये मेरा निजी मामला है और किसी को भी इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बीजेपी को केवल एक ही सलाह दे सकती हूं कि उन्हें ये समझना चाहिए कि प्यार व्यक्तिगत मामला है और उन्हें प्यार करना सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।